Hello everyone, welcome back at Literature Hub. In today's video, we are going to learn prefix and suffix, that is topic from the English grammar. So we should know first that what is affix. So affix basically होता है कुछ letters होते हैं या फिर we can say syllable होता है जो word के आगे या फिर word के end में add किया जाता है. तो अफिक्सेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स. सो नाउ व्हाट इज प्रीफिक्स? सो प्रीफिक्सेस आर बेसिकली एडेड बिफोर द वर्ड. मींस प्रीफिक्स वो होते हैं जो रूट वर्ड के आगे ऐड किए जाते हैं. मींस हम कुछ लेटर्स ऐड करेंगे अगर रूट वर्ड के आगे तो वो बन जाएगा प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स ऐड करने के बाद जो रूट वर्ड होता है उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है और उसका ऑपोजिट हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाता है. तो उसके बाद व्हाट इज सफिक्स? तो सफिक्सेस आर बेसिकली एडेड एंड ऑफ द वर्ड. मीन्स अगर हम कुछ लेटर्स को वर्ड के एंड में ऐड करेंगे तो वो बन जाएंगे सफिक्स. तो सफिक्स ऐड करने से जो उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते वो चेंज होते हैं. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज सफिक्स एंड प्रीफिक्स. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सफिक्स एंड प्रीफिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड मेक देम मोर क्लियर. So here first we will talk about prefix. For example, ability plus in. तो यहाँ पे in जो है वो है affix. तो यहाँ पे in affix है वो word के आगे add किया जाएगा. तो यहाँ पे word के आगे add करने से वो हो जाएगा prefix. तो यहाँ पे in prefix add करने से ये word का जो meaning है वो हो जाएगा unability. Means word का meaning change हो जाएगा, opposite हो जाएगा. तो यहाँ पे एबिलिटी उसका हो जाएगा अनएबिलिटी. उसके आगे है अफियर प्लस डिस. तो यहाँ पे डिस जो अफिक्स है यहाँ पे वो अफिक्स वर्ड के आगे ऐड करने से वो हो जाएगा प्रीफिक्स. तो यहाँ पे अफियर है उसका हो जाएगा डिस अपियर. अपियर मीन्स दिखना, डिस अपियर मीन्स अदृश्य. उसके आगे है अप्रूवल पर प्लस डिस. तो यहाँ पे डिस अगेन अफिक्स से वो वर्ड के आगे ऐड किया जाएगा. तो यहाँ पे वर्ड के आगे ऐड करने से वो हो जाएगा प्रीफिक्स एंड जो वर्ड का मीनिंग है वो हो जाएगा डिस अप्रूवल. उसके आगे है कंप्लीट प्लस इन. तो यहाँ पे कंप्लीट के आगे इन अफिक्स लगेगा. तो ये इन जो है वर्ड के आगे ऐड किया जाएगा तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स. तो यहाँ पे इन प्रीफिक्स लगाने से जो वर्ड का मीनिंग हो जाएगा इनकम्प्लीट, मीन्स नेगेटिव हो जाएगा. कंफर्टेबल प्लस अन. तो यहाँ पे अन है वो है अफिक्स. तो यहाँ पे अन अफिक्स से वो वर्ड के आगे ऐड किया जाएगा. तो यहाँ पे वर्ड के आगे ऐड करने से इसका जो मीनिंग है वो हो जाएगा अनकम्फर्टेबल. रैप प्लस अन. तो यहाँ पे अन है वो है अफिक्स. तो यहाँ पे अन अफिक्स है वो है वर्ड के आगे ऐड किया जाएगा. तो यहाँ पे वर्ड के आगे ऐड करने से अगेन ये हो जाएगा अनरैप एंड जो वर्ड का जो मीनिंग है वो हो जाएगा अपोजिट. कंपेरेबल प्लस इन. तो यहाँ पे अगेन इन है वो है अफिक्स. तो अफिक्स को आगे ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स. तो यहाँ पे प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के आगे ऐड करने से जो वर्ड का मीनिंग है वो हो जाएगा ऑपोजिट, मीन्स नेगेटिव, मीन्स इनकम्पेरेबल. सो आफ्टर प्रीफिक्स वी विल डिस्कस सफिक्स. जैसा कि मैंने बताया सफिक्स वो होते हैं जो वर्ड के एंड में ऐड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैनेज प्लस मेंट. तो यहाँ पे मेंट जो है वो एक अफिक्स है. तो मैंट एज अ अफिक्स वर्ड के एंड में ऐड किया जाएगा तो वो हो जाएगा सफिक्स. तो यहाँ पे मैंट एज अ सफिक्स मैनेज के एंड में ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा मैनेज का मैनेजमेंट.
then age as a suffix. If we will add age as a suffix at the end of the word bond, so the word bond will be bondage. Mile plus age means mile के end में हम age end add करेंगे तो हो जाएगा mileage. Person plus age equal to personage. Then hood as a suffix, brother plus hood means brother के end में हम hood add करेंगे तो हो जाएगा brotherhood. Child plus hood equal to childhood. Neighbor plus hood means neighbor के end में हम hood add करेंगे तो हो जाएगा neighborhood. Then ship as a suffix, relation plus ship equal to relationship. Leader plus ship means leader के end में हम ship add करेंगे तो हो जाएगा leadership. Friend plus ship equal to friendship. Now some adjectives by adding suffix. Full as a suffix, peace plus full equal to peaceful. Care plus full equal to careful. Less as a suffix, hope plus less equal to hopeless. Harm plus less means harm के end में हम less add करेंगे तो हो जाएगा harmless. Then IVE as a suffix, construct plus IVE तो हो जाएगा constructive. Nominate plus IVE, यहाँ पे हम नॉमिनेट में टी के बाद जो ई आता है उसको हम रिमूव करेंगे और आई वी एड करेंगे तो हो जाएगा नॉमिनेटिव. सो हियर आर सम प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो बिफोर वर्ड एंड आफ्टर वर्ड एड किए जाते हैं. सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल वीडियो फॉर द नीडेड वन. थैंक यू.